कोरोना के मामलों को लेकर राजधानी दिल्ली हरियाणा की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। हरियाणा में दिल्ली की वजह से अब कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अंबाला के डिप्टी सिविल सर्जन ने इन मामलों की पुष्टि की और बताया कि ये सभी लोग दिल्ली से लौटे हैं। वहीं अंबाला में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 54 जा पहुंची है, जिनमें से 12 एक्टिव केस हैं। पास जो सुबह टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई और हमें जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उसमें अंबाला कैंट के 4 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और इनमें 2 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं। और जो दो बच्चे हैं वो बीडी फ्लोर मिल के आस पास शांतिनगर के रहने वाले हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। और जो एक लेडी है वो भी 65 साल की हैं और उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। 20 तारीख को वो कैंसर के लिए उपचाराधीन हैं। और एक और जो है, जो व्यक्ति है वो भी अंबाला कैंट का रहने वाला है, खटीक मंडी का। और उनकी सब इन चारों की हिस्ट्री दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। और इस इनके सैंपल परसों लिए गए थे और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बच्चों की उम्र क्या बताइए? बच्चों की उम्र एक ही परिवार के हैं, एक 3 साल की है और एक 5 साल का है। हाँ सर, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है और हमारी टीम चली गई है और एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सील करवाया जा रहा है और क्वारंटाइन के लिए उनको आदेश दिए गए हैं। सर, अंबाला में अब 54 केस हो चुके हैं हमारे, जो कि अंबाला से संबंधित हैं। और इसमें से हमारे 42 टिक क्लोज केसेस हो चुके हैं, जिसमें 40 रिकवर हो चुके हैं। अब हमारे पास 12 केसेस एक्टिव। दिल्ली से हरियाणा आ रहे लोगों की वजह से अब कोरोना का ग्राफ हरियाणा में तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हरियाणा में जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उनमें अधिकतर मामले दिल्ली से लौटे हुए लोगों से जुड़े हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला में भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अंबाला के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सामने आए 4 मामलों में एक ही परिवार के 3 और 5 वर्ष के 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक 65 वर्षीय महिला और एक 42 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों ने बताया कि ये सभी बीते दिनों दिल्ली से होकर अंबाला लौटे हैं। भारत 9 के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।